भूटान भाग गया अतीक अहमद का बेटा असद। कई राज्यों में छापेमारी के बाद विदेशी जमीन पर पहुंची एजेंसियां। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उमेश पाल हत्याकांड के 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी माफिया अतीक अहमद के बेटे और हत्याकांड के मोस्ट वॉन्टेड असद की तलाश जारी है। पहले यूपी पुलिस और जाँच कर रही टीमों ने देश के 7 से 8 राज्यों में छापेमारी की। इसके बाद अब नेपाल में छापेमारी हो रही है। हालांकि यूपी पुलिस के पास अतीक अहमद के बेटे का नेपाल में होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन शक के आधार पर नेपाल में भी असद की तलाश में छापेमारी चल रही है। यहां यूपी पुलिस की 2 टीमें पहुंची हुई हैं। दोनों ही टीमें बीते 2 दिनों से छापेमारी कर रही हैं। हालांकि अब असद को भूटान में भी ढूंढने की तैयारी चल रही है। जांच कर रही टीमों को शक है कि असद भूटान भागा होगा। दरअसल नेपाल के बाद भूटान ही एक ऐसा देश है जहां बिना पासपोर्ट के जाया जा सकता है, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे के पास पासपोर्ट नहीं है। पहले पुलिस की टीमों ने काठमांडू और फिर पोखरा में छापेमारी की। इसके बाद अब भूटान में भी छापेमारी करने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।